a guy and could say I know from his first project to now, mashallah, he's doing really well. So I really wish him all the best and dua karti hu ke aisi ghatna kisi bhi parent ke saath na ghate and sabke bachche surakshit rahe. And please ye film dekh kar aware ho jaiye and of course jitna ho sake let's have better infrastructure, better you know, facilities ताकि ऐसी दुर्घटनाएं और ना हो. मैम ये भी जानना चाहेंगे, ट्रेलर तो आपने देखा ही होगा, राजपाल सर का एक नया अवतार है कॉमेडी में, हमने उनको देखा है बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, ये अलग किरदार है, कितना पसंद कर रहे हैं आप? अब राजपाल सर के बारे में क्या ही बोले, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो सब कुछ कर सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स को ना सीमित ना नहीं करना चाहिए. ऐसा है कि बहुत ईजिली हम कैटेगरीज में डाल देते हैं कि ये सिर्फ कॉमेडी ही कर सकते हैं, ये सिर्फ सीरियस ही कर सकते हैं, ये सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द ही नाच सकते हैं. तो ये आई थिंक ये एक्टर एक्टर होते हैं, आई थिंक उनको हमें उस नज़रिए से ही देखना चाहिए. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो बीइंग एन एक्टर, आई नो दैट इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू पुट यू इन अ सर्टेन कैटेगरी, लेकिन आई फील राजपाल जी इज़ वेरी टैलेंटेड, उनको कोई आप सीमा में नहीं डाल सकते हैं. और दूसरी चीज़, मेरी एक बहुत ही स्वीट दोस्त जिया इस फिल्म में भी है, जिया मानिक बहुत ही पॉपुलर है वो टीवी पे, तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि जब मैंने उनको